इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स क्वेश्चन नंबर 13.1। अच्छा ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, इसको हम बाद में करते हैं, पहले 13.1 स्टार्ट ऑन करेंगे। 13.2 से 13.1 लास्ट में करेंगे। किसमें क्या आपको एट 31st में देव्स कैपिटल बैलेंस दिया हुआ है 96,000 578 ड्यूरिंग द ईयर टू 31st में। तो अगर ड्रॉइंग साइंस की और कैपिटल का क्लोजिंग है, कि कैपिटल का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस गिवन है, प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। में इक्वेशन लिखते हैं 13.2। इक्वेशन याद है, प्रॉफिट इक्वल्स टू आई प्लस डी माइनस टी। PIDC, I क्या होता है, चेंज इन कैपिटल। कैपिटल एट एंड कितना है, कैपिटल एट एंड 1,04,864 864 माइनस करेंगे कैपिटल एट स्टार्ट 96,578। ड्रॉइंग्स ऐड करते, ड्रॉइंग्स है आपकी 25,764 और एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऐड करेंगे जो कि गिवन नहीं है, तो ये जीरो हो जाएगी एडिशनल इन्वेस्टमेंट। इसका डिफरेंस निकाले जरा, चेंज इन कैपिटल कितना आएगा। वन लैक 4,864 माइनस 96,578 8,268 6 8,286 में ड्रॉइंग ऐड करेंगे टोटल क्या आ रहा है, प्लस 25,760 34,050 प्रॉफिट आ गया। तो कॉपी कर लें, डिस हो गया। नेक्स्ट 13.3, इसमें अक्टूबर 31st अक्टूबर जीना डॉब्स वर ओड हर सप्लाईज 13,000 और हर सप्लायर है 13,856 के। ड्यूरिंग द ईयर हर पेमेंट्स टू सप्लायर है 95,886 और एट 31st अक्टूबर शी ओड 11,552। फाइंड क्या करना है, क्रेडिट परचेज, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जीनास क्रेडिट परचेज। क्या अब इसमें क्या कैलकुलेशन होगी, आप पेबल का टी अकाउंट बनेगा, और टी अकाउंट से हम टी अकाउंट बना लेते हैं, परचेज फाइंड कर लेते हैं, अकाउंट्स पेबल बनाते हैं। पेबल का ओपनिंग बैलेंस क्या होगा, अक्टूबर 6 13,856, ये नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग हो जाएगा 13,856। के बाद पेमेंट्स है 95,886, पेमेंट्स हो जाएंगे डेबिट कैश या बैंक। और क्लोजिंग बैलेंस है 11,550। अकाउंट क्लोज करते हैं, डेबिट साइड का टोटल करेंगे, डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 1,07,438 7,438। से ये माइनस करें ओपनिंग बैलेंस, माइनस करेंगे तो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी
93,582 क्रेडिट परचेज हो जाएगा ऑप्शन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन और कौन सा था कॉपी कर ले। इन द ईयर टू 30th नवंबर ग्रेस स्मिथ ओब्टेन्ड अ 25% मार्कअप ऑन ऑल हर सेल्स। ठीक है, हर सेल्स फॉर द ईयर टोटल 1,20,600, ओपनिंग इन्वेंट्री 9,340, क्लोजिंग इन्वेंट्री 11,855। व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ परचेजेस, परचेज कैलकुलेट करनी। अच्छा, अब इसमें भी हमें परचेज भी कैलकुलेट करनी है, लेकिन यहाँ पे डेटा डिफरेंट है। ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक है, सेल्स है, तो इसमें अब कैलकुलेशन चेंज हो जाएगी। और इसमें हम यूज करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड वाली वर्किंग ना, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की वर्किंग से परचेज हम फाइंड करें। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की वर्किंग क्या होती है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस। आपके पास आती है गुड्स अवेलेबल, स्पॉट सेल्स, इसमें से माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक, के पास आ जाएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स। कॉस्ट ऑफ गुड्स इसका फॉर्मेट हो गया। हम फाइंड क्या करना है, परचेजेस। ओपनिंग स्टॉक कितना है, ओपनिंग स्टॉक है 9,340। इसमें ऐड करेंगे परचेजेस, ऐड होंगी 1,20,600। फाइंड करें सबसे, ये क्या थी हमारी सेल्स है, ठीक, परचेज फाइंड करनी है और लाइन ड्रॉ क्लोजिंग स्टॉक 11,855। ये आ जाएंगे आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अच्छा, अब हमें परचेज फाइंड करनी है, तो इसके लिए ये रिवर्स हमें वर्किंग करना पड़ेगी ना, और रिवर्स वर्किंग के लिए हमें चाहिए कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। इसकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड फाइंड करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। पहले सेल्स गिवन है 1,20,600। अब इसमें मार्कअप दिया हुआ है 25% मार्कअप है। मार्कअप में कॉस्ट 100% होती है, प्रॉफिट 25% है, तो सेल्स 125%। कॉस्ट फाइंड करनी है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और 125 से डिवाइड कर देंगे। क्या आंसर आ रहा है, 96,480। तो ये 96,480 आ गई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, 96,480। अब परचेज फाइंड करने के लिए रिवर्स कैलकुलेशन होगी, इसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्लोजिंग स्टॉक ऐड होगा, टोटल करें क्या आ रहा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में कितना, 108,335। अब इसमें से ओपनिंग स्टॉक माइनस करेंगे, परचेजेस आ जाएंगे आपके पास 9,898,995, 98,995 परचेजेस आ गए। ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अकाउंट शो दैट हिज कैपिटल बैलेंस वॉज 42,890,
एट द ईयर एंड ही कैलकुलेटेड दैट इज एसेट्स एंड लायबिलिटीज पर, ठीक है, एसेट्स लायबिलिटीज का क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है. ऑन रिव्यूइंग हिज कैलकुलेशन यू नोट दैट ही डिड नॉट इंक्लूड 258 ऑफ अनपेड इनवॉइसेस फॉर एक्सपेंसेस. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एल्बर्ट्स क्लोजिंग कैपिटल? क्लोजिंग कैपिटल फाइंड करना है. ओपनिंग कैपिटल गिवन है, क्लोजिंग आपको फाइंड करना है. क्या करें, किसका डी अकाउंट बनाए? ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है, ये एसेट्स लायबिलिटीज के क्लोजिंग बैलेंसेस है, आपको क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट करना है. सिंपल क्या करेंगे, अब देखिए बाज़ ऑफ़ जो होता है कि बहुत इजी क्वेश्चन होता है, और आपको यकीन नहीं आ रहा होता कि इतना आसान क्वेश्चन कैसे आ गया, आप उसको मुश्किल बना देते हैं, आंसर गलत. इसमें कुछ नहीं करना, ये आपके एसेट्स और लाइबिलिटीज के एंडिंग बैलेंस दिए हुए, तो एसेट माइनस लाइबिलिटी क्या होता है, कैपिटल होता है, बस. तो इसको ऐड करें, एसेट्स को लाइबिलिटी माइनस करें, कैपिटल आ जाएगा, ठीक है. इसमें कुछ भी नहीं करना, कैपिटल एट एंड. अभी एसेट्स का क्लोजिंग बैलेंस है, नॉन करंट एसेट है 41,700, इन्वेंट्री 9,860, रिसीवेबल 7,695, टेबल्स है माइनस करेंगे 4174, नहीं लगा 4174, बैंक ओवरड्राफ्ट 5537 माइनस. अच्छा, इसका क्या करें, ऑन रिव्यूइंग हिज कैलकुलेशन ही नोट दैट यू नोट दैट इट डिड नॉट इंक्लूड 258 ऑफ अनपेड इनवॉइसेस. एक्रूड एक्सपेंस है, अनपेड एक्सपेंस तो ये भी लायबिलिटी है ना, अनपेड इनवॉइस फॉर एक्सपेंसेस, तो अनपेड इनवॉइस अनपेड एक्सपेंस ये भी लायबिलिटी हो गई ना, पेबल, ये भी माइनस करेंगे 258. तो सम कर लें, आपके पास आ जाएगा कैपिटल एट एंड. अरे फोर नाइन टू एट सिक्स कैपिटल एट एंड और ऑप्शन ए करेक्ट आंसर. सी कॉपी कर लें. थर्टीन पॉइंट सिक्स द लास्ट 12 months Dina's कैपिटल बैलेंस इंक्रीज्ड बाय 6,798. इन द ईयर हर ड्रॉइंग्स टोटल 14,600. He introduced additional capital of 2,900. What is the Gina's net profit or loss for the capital दिया हुआ है, drawings है, additional investment है, profit find करना है, तो इसमें equation use होगी, business equation P equals to I plus D minus C. I क्या होता है आपका, change in capital ना, capital at end minus capital at start. यहां पर इसने हमें चेंज इन कैपिटल बता दिया है, क्या लिखा, कैपिटल बैलेंस इंक्रीज्ड बाय 6,798, तो एज इट इज लिख लेंगे इसको 6,798. चेंज उसने खुद दे दिया है, इंक्रीज, अच्छा इंक्रीज है तो इसको हमने पॉजिटिव लेंगे, अगर डिक्रीज होता तो नेगेटिव में आता. इसके ड्रॉइंग्स हैं 14,600 और माइनस करेंगे एडिशनल इन्वेस्टमेंट 2,900. सम कर लें क्या रहे, 18,490 प्रॉफिट हो गया इसका, 18,490 ऑप्शन 98 करेक्ट. गलत देख दिया, 18,490 490 है जी.
13.7। Okay, 13.7 in the year to 30th April 6, Peter's sales were 182,000. All of his sales were made at a markup of 30%. His opening inventory was valued was 11,800. Closing inventory 9,700. What is the value of Peter's purchase? अच्छा वही वर्किंग होगी इसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वाली ना, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक इज सेल्स है। ठीक, ये ऊपर से कॉपी कर लेते हैं फॉर्मेट इसका। ये परचेजेस फाइंड करनी है तो यही कैलकुलेशन यूज होगी। परचेज हमें फाइंड करनी है, ओपनिंग स्टॉक वन ये है 11,800, के बाद क्लोजिंग स्टॉक 9,700। क्या परचेज के लिए हमें चाहिए होंगी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, सेल्स गिवन है 182,000। अब इसमें हमें क्या दिया, मार्कअप ऑफ 30% है, तो मार्कअप में कॉस्ट 100% होगी, मार्कअप 30 है तो सेल्स 130%। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या रही है, 140,000। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई 140, इसको यहाँ पे पुट करते हैं 1,40,000। रिवर्स कैलकुलेशन होगी, ये हो जाएगा 1,49,700। अब 1,49,700 में से 11,800 माइनस करेंगे, द 137,900 आ जाएंगी परचेज। ये होगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन। थर्टीन पॉइंट एट, ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या, इन द ईयर टू 30th अप्रैल तानिया पेड अ टोटल वन ऑफ 127,569 टू हर सप्लायर। ये तो आगे पेमेंट टू सप्लायर। अच्छा, हर ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस ड्यू टू सप्लायर एंड हर ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री। ओके, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस है, सप्लायर मतलब पेबल, यहाँ पर ना पेबल का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस, इन्वेंट्री का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है। फाइंड क्या करना है, व्हाट वाज तानियास कॉस्ट ऑफ सेल्स फॉर द ईयर, कॉस्ट ऑफ सेल्स या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो वर्किंग तो यही यूज होगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वाली, पहले ये कॉपी कर लेते हैं। अब इसमें हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करनी है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फाइंड करते हैं। क्वेश्चन मार्क डाल देते हैं। सही, तो पहले तो लिख लें गिवन क्या है, ओपनिंग स्टॉक गिवन है 5,288। इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ 4,184, 4,184, और ये ऊपर आपकी पेमेंट्स है ना। अब हमें क्या चाहिए इसमें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड फाइंड करने के लिए, और क्या चाहिए होगा। हाँ, गुड्स अवेलेबल फॉर सेल कैसे आएंगी, उसके लिए हमें परचेजेस चाहिए ना। तो परचेज अगर हमें मिल जाए तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब हम परचेज कैलकुलेट करेंगे पहले। तो परचेज कैसे फाइंड होंगी, परचेज कैसे फाइंड करेंगे, परचेजेस जो पे किया उसमें से वही होगा, वही नहीं होगा ना, क्या करें, परचेजेस फाइंड करनी है कैसे करें? उस वर्किंग से थोड़ी होंगी। किसका टी अकाउंट बना है, पेबल का। अब इसमें बनेगा पेबल का टी अकाउंट, क्योंकि आपको पेबल का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, क्लोजिंग बैलेंस गिवन है, पेमेंट टू सप्लायर गिवन है, तो हम पेबल अकाउंट बनाकर परचेज कैलकुलेट कर
कर सकते हैं। सब ये क्वेश्चन हमने किया था इससे ऊपर, इसमें क्या किया था हमने ये देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, 13.3, इसमें परचेज फाइन की थी ना, सेम यही कैलकुलेशन होगी इसमें। परचेजेस के लिए हम बनाएंगे पेबल का टी अकाउंट और इससे परचेज फाइन कर। अब पेबल का ओपनिंग बैलेंस है आपके पास 11,564, ओपनिंग बैलेंस आ गया। इसके बाद क्लोजिंग बैलेंस 12,826, देन पेमेंट्स इसने दिए 1,27,569, 1,27,569। परचेज फाइन करनी है, परचेज आएंगे इधर या अगेन परचेजेस, डेबिट साइड का टोटल करेंगे 140,395, 1,40,395। अब इसमें से ओपनिंग बैलेंस माइनस कर दें 128,831, ये परचेजेस आ गई। अब इसको हम यहाँ पे पुट कर देते हैं ऊपर, परचेजेस 1,28,831। अब ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस को ऐड कर लें 134,119। ये अगेन गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। अब गुड्स अवेलेबल फॉर सेल्स में से क्लोथिंग स्टॉक माइनस करेंगे 1,29,35, 1,29,935 आ जाएंगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये ऑप्शन डी हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए आप एक क्वेश्चन में दो कैलकुलेशन भी हो सकते। पहले हमें पेबल बनाया है परचेज फाइन की, उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है कि जिसमें आप दो कैलकुलेशन आपको करना पड़े। थर्टीन पॉइंट नाइन तभी आप लोग सॉल्व करेंगे 13.9, 10, 11। ठीक है, 13.9 का आंसर बताएं अब आप लोग। ये हैंडआउट के लास्ट में दो फॉर्मूले हैं कन्वर्जन के, मार्कअप से मार्जिन में को कन में कन्वर्ट करना और मार्जिन को मार्कअप में कन्वर्ट करना। देखिए पहला फॉर्मूला है मार्जिन में कन्वर्जन का, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। अब अगर क्वेश्चन में आपको मार्कअप गिवन है तो उससे आप मार्जिन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसका फॉर्मूला ये कि प्रॉफिट मार्कअप अपॉन 1 प्लस मार्कअप, तो आपके पास आ जाएगी मार्जिन परसेंटेज। अच्छा, मार्कअप परसेंटेज कैलकुलेट करनी हो तो उसके लिए ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन अपॉन 1 माइनस ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, आपके पास मार्कअप परसेंटेज आ जाएगी। ठीक, अच्छा पहले काम ही करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले। ये हमने सबके एग्जाम हैंड आउट कर दिया, ये जो हमने यहाँ मार्कअप मार्जिन कैलकुलेट किया है ना, पहले इन्हीं को हम एक बार कन्वर्ट कर लेते हैं, मार्जिन को मार्कअप में, मार्कअप को मार्जिन में, उससे ये चेक भी हो जाएगा कि ये फॉर्मूले सही काम कर रहे हैं। इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व कर, कि ये हमने मार्जिन कैलकुलेट किया था 20% और मार्कअप कैलकुलेट किया 25%। मार्जिन को कन्वर्ट करते हैं मार्कअप, टाइम हो रहा है हमारा ओके। अब इसमें मार्जिन है 20%, इसे हम कन्वर्ट करते हैं मार्कअप में। उसके लिए फॉर्मूला क्या है, मार्कअप इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन अपॉन 1 माइनस ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। अच्छा 20% है तो उसको आप लिखेंगे 0.2, तो डिवाइड करेंगे इससे 1 माइनस ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन।
1 माइनस 0 पॉइंट, तो ये हो जाएगा 0.2 डिवाइडेड बाय, अच्छा 1 माइनस 0.2 पॉइंट 8 आ जाएगा ना। अब डिवाइड करें क्या रहे, 0.2 डिवाइडेड बाय 0.5, 0.25 आएगा। ठीक है, अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 25%। देखिए मार्कअप कितना हमने कैलकुलेट किया था, 25%। तो ये हमने मार्जिन को कन्वर्ट कर लिया मार्कअप में और आंसर भी टैली हो गया 25। ठीक, अच्छा अब ये मार्कअप दिया हुआ, मार्कअप को कन्वर्ट करते हैं मार्जिन। अब फॉर्मूला क्या मार्जिन के लिए, मार्कअप अपॉन 1 प्लस मार्कअप, प्रॉफिट मार्कअप है 25%, उसको लिखेंगे आप 0.25 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.25, ये बन जाएगा 1.25। अब 0.25 को डिवाइड करें 1.25 से, 0.2 आ जाएगा, और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर आएगा 20%। और ये से मैच हो रहा है, देखिए 20% कैलकुलेट किया था हमने और कन्वर्ट करके भी 20% आ रहा है। सही, तो ये फॉर्मूले हैं कन्वर्जन के, मार्कअप से मार्जिन और मार्जिन से मार्कअप। अच्छा पहले ये कॉपी कर लें, फिर वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ये हैंडआउट में लिखे हुए, जो हैंडआउट मैंने दिया था ना उसके लास्ट में लिखे हुए। देखिए 13.10, इसमें हमें मार्कअप गिवन है, मार्जिन कैलकुलेट करना है ना। मार्जिन के लिए फॉर्मूला क्या है हमारा, मार्कअप अपॉन 1 प्लस मार्कअप, मार्कअप है 60%, मार्कअप है। अब लिखेंगे 0.6 अपॉन 1 प्लस 0.6, ये हो जाएगा 0.6 अपॉन 1.6। 0.6 को डिवाइड करें 1.6 से, 1.6 0.375, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 37.5%, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। 13.10 10 पॉइंट, 10 है, उसने 0 हटा दिया, 0 लिखा नहीं जाता ना डेसिमल के। ये इसको फॉलो करो, ये ना 13.10 लिखूंगा तो ये मत करा पाए क्या। 13 पॉइंट, हाँ कॉपी कर लें। 13.11, 11 में क्या सेल्स है आपकी 51,000, कॉस्ट ऑफ सेल्स 42,500, व्हाट वाज अ ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज। अच्छा भैया बताएं, इसमें सेल्स है, कॉस्ट ऑफ सेल्स है, ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट कर, तो मार्कअप कैलकुलेट करेंगे मार्जिन। मार्जिन जब कुछ गिवन ना हो तो मार्जिन कैलकुलेट करेंगे, मार्जिन नॉर्मली मार्जिन यूज होता है, मार्कअप नहीं होता। ठीक, तो इसमें आप मार्जिन कैलकुलेट कर लें, पहले ये प्रॉफिट कैलकुलेट होगा, उसके बाद प्रॉफिट को डिवाइड कर देंगे सेल्स से, तो आपके पास मार्जिन। पहले प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, सेल्स है 51,000, माइनस करेंगे 42,500, प्रॉफिट कितना बन रहा है
8,500। मार्जिन कैलकुलेट करेंगे इसमें, मार्जिन प्रॉफिट 8,500 डिवाइडेड बाय सेल्स और मल्टीप्लाई बाय 100 कितना बन रहा है? 16.7। 16.67% होगा ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर। थर्टीन पॉइंट ट्वेल्व या 1-2? थर्टीन ओके। इसमें ओपनिंग इन्वेंट्री है, परचेजेस है, क्लोजिंग इन्वेंट्री और ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ सेल्स है 40%। अब ये 40% मार्कअप है, मार्जिन है, हाँ ऑफ सेल्स है तो ये मार्जिन हो गया। फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द सेल्स रेवेन्यू आपको कैलकुलेट करना है। तो अब हमें ओपनिंग स्टॉक गिवन है, परचेज, क्लोथिंग स्टॉक, तो इससे हम पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करेंगे और फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से सेल्स कैलकुलेट हो जाएंगे। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए इसका फॉर्मेट मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, ये इसका फॉर्मेट आ गया। ठीक, ओपनिंग स्टॉक कितना है, 386,200। परचेजेस ऐड करेंगे 989,989, ठीक है दोनों का सम कर लेते हैं 137,520। ये अगेन गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, इसमें से क्लोथिंग स्टॉक माइनस होगा 422,700। क्लोथिंग स्टॉक लेस करते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाएगी 9,525,000। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को हम सेम सेल्स फाइंड कर लेंगे। अब इसमें क्या मार्जिन दिया हुआ है ना, मार्जिन में सेल्स 100% होती है, प्रॉफिट 40 है तो कॉस्ट 140 या 60? 60 होगी क्योंकि सेल्स माइनस प्रॉफिट इक्वल्स कॉस्ट होगा, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और डिवाइड कर देंगे 60 से, ये सेल्स आ जाएंगे आपके पास 158,750। ये आ गए हमारे पास सेल्स ऑप्शन ई, करेक्ट आंसर। मार्जिन में क्या होता है, सेल्स 100% होती है, प्रॉफिट दिया हुआ है कितना 40%, कॉस्ट 60 या 140? 60 आएगी ना, 60 आएगी क्योंकि सेल्स माइनस प्रॉफिट इक्वल्स टू कॉस्ट होता है ना 60%, इसलिए 60 से डिवाइड किया 100/60। इसका देखिए रूल है आसान सा, याद रखें जो वैल्यू फाइंड करनी है उसकी परसेंटेज से मल्टीप्लाई करें, जो वैल्यू गिवन है उसके परसेंटेज से डिवाइड करें। अब किसी भी वैल्यू से कोई भी वैल्यू डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसमें हमें सेल्स कैलकुलेट करना थी, हमने सेल्स की परसेंटेज 100 से मल्टीप्लाई किया, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड गिवन थी तो कॉस्ट की परसेंटेज 60 से डिवाइड कर, तो ये पॉइंट याद रखें गिवन थी ना 60, 60 से डिवाइड कर दिया। लेकिन रूल क्या बन गया ये याद रखें, जो वैल्यू फाइंड करनी है उसकी परसेंटेज से मल्टीप्लाई करें, जो वैल्यू गिवन है उसकी परसेंटेज से डिवाइड कर, तब किसी भी वैल्यू से कोई भी वैल्यू डायरेक्ट कैलकुलेट कर सके। ओके जी, 13.4, 14। अब इसमें हमें क्लोथिंग इन्वेंट्री कैलकुलेट करनी है, क्लोथिंग
तो यही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वाली वर्किंग यूज करेंगे, से हम कॉस्ट ऑफ सेल्स फाइंड कर लें, क्लोथिंग स्टॉक फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें चाहिए क्लोथिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना है? ओपनिंग स्टॉक है 30,000, ऐड करेंगे परचेजेस, परचेजेस हैं 8,40,000, ऐड कर लेते हैं हो जाएगा 8,70,000। क्लोथिंग स्टॉक फाइंड करने हैं तो इसके लिए अब हमें चाहिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेल्स गिवन है, सेल्स से हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। सेल्स है आपकी 1 मिलियन 10 लाख। इसको अब सॉल्व करते हैं जरा मार्जिन से। 25% तो मार्जिन में सेल्स 100%, प्रॉफिट 25, तो कॉस्ट 75। कॉस्ट फाइंड करनी है, मल्टीप्लाई करेंगे 75 से, सेल्स गिवन है डिवाइड करेंगे 100, तो 7,50,000 आ जाएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसको यहाँ पुट करते हैं ऊपर, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब गुड्स अवेलेबल फॉर सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करें, क्लोथिंग स्टॉक आ जाएगा 1,20,000 और ये होगा ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन। मार्कअप चार होगा, ठीक है। इसमें देखिए यहाँ मार्केट ऑन सेल्स लिखा था इसलिए हमने मार्जिन ले लिए, बाकी सॉल्यूशन में क्या है तो अभी नहीं, अब इसमें मार्जिन से करेंगे। ठीक है ये है तो देख लेंगे। ठीक है, इसमें हम लिखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 13 हम ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें दी हुई है 1,44,000, यहाँ लिखते हैं हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये 1,44,000। ठीक है, अब इसने खुद को गुड सेल की है 2016 की और उस पे मार्कअप लगाया इसने 12%, 12% मार्कअप पे खुद को गुड सेल कर। अब इसकी हम यहाँ से कॉस्ट माइनस करेंगे, लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स टू हिमसेल्फ। ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड टू हिमसेल्फ, ये कितना है 2016। अच्छा, इसकी कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई डिवाइड किससे करें, 2016 की हमें कॉस्ट कैलकुलेट करनी है और इसमें मार्कअप है 12% का, तो मल्टीप्लाई डिवाइड किससे करें, 12% मार्कअप है, मार्कअप में कॉस्ट 100% होती है, प्रॉफिट 12%, तो सेल्स 112 मल्टीप्लाई करेंगे 100 से क्योंकि कॉस्ट फाइंड करनी है, मार्कअप में कॉस्ट 100 होती है और सेल्स हो जाएंगी 112%। तो अब ये बताएं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या आ रही है, 1800। ठीक, 1800 इसमें से माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड टू कस्टमर, कस्टमर वाली कॉस्ट आ जाएगी ना, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड टू कस्टमर। चलिए ये आ जाएंगी कितने आपके पास, 142,200। सही, अब हम इसको कॉपी, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड टू कस्टमर आ गई, इसे हम चेंज कन्वर्ट कर लेंगे सेल्स में। आप यहाँ लिखेंगे सेल्स टू कस्टमर 1,42,200। अभी कस्टमर को सेल कर रहा है 20% मार्जिन, अब मल्टीप्लाई डिवाइड किससे करें, 20% मार्जिन है तो मल्टीप्लाई डिवाइड किससे होगा, तो मार्जिन में सेल्स 100% होती है, प्रॉफिट 20 है तो कॉस्ट 80 हो जाएगी ना, तो हमें सेल्स फाइंड करनी है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और 80 से डिवाइड कर देंगे 177 750। ये तो आ गई कॉस्ट, सेल्स टू कस्टमर। अब इसने खुद को सेल की है सेल्स टू हिमसेल्फ, इसने सेल की थी 2016 की, तो दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे टोटल सेल्स, दोनों का सम करें
179,766 ये इसका आंसर हो जाएगा 179,766 ऑप्शन सी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। क्लियर? ये कर अच्छा क्वेश्चन है, कॉपी कर लें। कैपिटल एफसीडी के एग्जाम के थे, इसमें कोचिज चार पांच बल्कि सिक्स फाइव क्वेश्चंस हैं, अच्छे क्वेश्चन है, ये सॉल्व कर लेते हैं, इससे प्रैक्टिस काफी बेहतर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 355, जबकि एफसीडी है। क्वेश्चन नंबर 355 जिसमें क्या दिया हुआ, अ फायर इन द ऑफिस ऑफ लिविस हैज डिस्ट्रॉयड मोस्ट ऑफ द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन रिट्रीव्ड, सेल्स ओपनिंग इन्वेंटरी क्लोजिंग इन्वेंटरी ओपनिंग पेबल्स क्लोजिंग पेबल्स है, ग्रॉस प्रॉफिट ठीक है, फॉर द पीरियड शुड रिप्रेजेंट मार्कअप ऑफ 40%, मार्कअप दिया हुआ है। रिक्वायरमेंट क्या, व्हाट वाज द टोटल कैश पेड टू सप्लायर, सो फाइंड क्या करना है, कैश पेड टू सप्लायर, इसके लिए क्या करेंगे अब हमें पेबल का आर्ट या अकाउंट बनाना पड़ेगा। पेबल के अकाउंट से हम कैश पेड टू सप्लायर फाइंड कर सकते हैं। पहले एक टी अकाउंट ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर, ये मैं कॉपी कर लेता हूँ फॉर्मेट इसका, पेबल अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, पेबल्स का ओपनिंग बैलेंस है 29,780, ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं क्रेडिट पे 29,780, के बाद क्लोजिंग बैलेंस गिवन है, क्लोजिंग बैलेंस है आपका 34,600। फाइंड हमें क्या करना है, परचेजेस वो आएंगी क्रेडिट पे ना। अच्छा, परचेज फाइंड करने के लिए हमारे पास एटलीस्ट कैश पेमेंट होनी चाहिए ना, कैश पेड टू सप्लायर। अच्छा, यही हमें फाइंड करना है ना, रिक्वायरमेंट भी यही ना, कैश पेड टू सप्लायर, ये तो फाइंड करना है। कैश पेड टू सप्लायर फाइंड करने के लिए हमें परचेजेस चाहिए होंगे, के बगैर तो पेमेंट नहीं आ सकती ना। अब हमें पहले परचेजेस फाइंड करना, के बाद पेमेंट कैलकुलेट होगी। तो परचेज किस तरह फाइंड करेंगे, परचेजेस के लिए कैलकुलेशन क्या होगी, हाँ तो देखिए ओपनिंग इन्वेंटरी है, क्लोजिंग है, सेल्स गिवन है, सेल्स से हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैलकुलेट कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की कैलकुलेशन यूज करके पहले परचेजेस फाइंड करें, उसके बाद फिर पेमेंट आएगी। अब ये फॉर्मेट कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। अब इसमें ओके, ये हमें परचेजेस यहाँ से फाइंड करना होंगे। ओपनिंग स्टॉक कितना है, 24,300 लिखते हैं, परचेजेस फाइंड करनी है, क्लोजिंग स्टॉक है 32,750, 32,750 क्लोजिंग स्टॉक माइनस होता है। अच्छा, अब यहां पर हमें परचेजेस फाइंड करनी है, तो परचेज के लिए हमें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड चाहिए होंगी, तो पहले कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैलकुलेट करेंगे। ओके, अब इसके लिए सेल्स हमें गिवन है 6,30,000, 6,30,000 से हम कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके, अब इसमें मार्कअप दिया हुआ है 40%, तो मार्कअप में कॉस्ट 100% होती है, प्रॉफिट 40% है, सेल्स कितनी हो जाएंगी 140%, तब तो हमें कॉस्ट फाइंड करनी है, जैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, और सेल्स गिवन है तो डिवाइड कर देंगे 140 से,
ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 4,50,000 आ गई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसको यहाँ ऊपर पुट करते हैं 4,50,000। अब रिवर्स कैलकुलेशन होंगे, 4,50,000 में 30 क्लोजिंग स्टॉक ऐड करेंगे, 4,82,750 आ जाएंगे गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, और इसमें से ओपनिंग स्टॉक माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएंगी परचेजेस 45,845। ये आ गई परचेजेस। अब इसको हम यहाँ पोस्ट करते हैं लेजर में 4,58,450 परचेजेस आ गए। अब इसकी क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे 4,88,230, 4,88,230। अब इसमें से क्लोजिंग ये बैलेंस माइनस कर देंगे इसका कैरी डाउन तो हमें मिल जाएंगी कैश पेमेंट 5,45,360, 4,53,630। ओके तो 4,53,630 हमारे पास आ गई कैश पेड टू सप्लायर, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। कॉपी कर लें हम, अच्छा क्वेश्चन है जी। ओके इसके बाद नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक पढ़ेंगे, इसको ये खत्म करना है, होमवर्क कर ही ना ले आप लोग। ओके 356 रीड कर लें। अच्छा इसमें पायनियर एनुअल इन्वेंट्री काउंट टुक प्लेस 6 जनवरी, द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री ऑन दिस डेट वाज 32,780। During that period from 31st December to 6 January, the following transactions events occurred. ठीक है, sale purchase हो गई, वो the value of inventory at 31st December was 34,600. What is the gross profit margin? ठीक है, तो profit margin के लिए हमें पहले तो profit calculate करना पड़ेगा। profit के लिए हमें चाहिए होगी cost of गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए ओपनिंग स्टॉक हमें दिया हुआ है, क्लोजिंग है, परचेजेस हैं, ठीक है। इसके बाद प्रॉफिट, तो पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करेंगे, इसके बाद प्रॉफिट होगा, उसके बाद फिर परसेंटेज आएगी। क्वेश्चन नंबर 356, इसमें आप ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक कौन सा होगा, ये दिसंबर 31 और ये 6 जून है, तो ओपनिंग में कौन सा जाएगा, क्लोजिंग कौन सा होगा। देखिए 6 जनवरी है ना, तो ये 31 दिसंबर या 1 जनवरी, तो ये वाला ओपनिंग हो जाएगा 34,600, क्योंकि 31 दिसंबर के बाद 1 जनवरी आती है, तो ये 1 जनवरी का स्टॉक हो गया 34,600, और जो 6 जनवरी का इसको हम क्लोजिंग में रख देते हैं, सही। तो ये ओपनिंग हो जाएगा 34,600। ओके इस परचेजेस कितनी है 4,200, दोनों को ऐड कर लेते हैं 38,800, और क्लोजिंग स्टॉक यानी कि जून 6 का स्टॉक, जनवरी 6 का स्टॉक माइनस करेंगे 32,780, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएंगे आपके पास 6,020। तो पहले इसका प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, सेल्स कितनी है 8,600 है, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमने कैलकुलेट कर ली 6,020। प्रॉफिट कितना आएगा 25,80, प्रॉफिट आ गया 25,80। अब हमें प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज निकालनी है, मार्जिन
मार्जिन है ठीक है, तो अब लेंगे प्रॉफिट कितना है, 2580 डिवाइड बाय सेल्स हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100, सेल्स है 8600, क्या बन रहा है 30%, अंतर आ जाएगा 30%, ये बनेगा ऑप्शन सी, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, कॉपी कर लेंगे 57, 357 जी, अब इसमें हमें ऊपर दिया मार्कअप है 25%, इसके बाद रिसीवेबल्स एट स्टार्ट, रिसीवेबल्स एट एंड, कैश एट स्टार्ट, कैश एट एंड, टोटल कैश पेमेंट्स। अच्छा, द ओनली रिसीव ड्यूरिंग द ईयर कंसिस्टेड ऑफ कैश एंड चेक रिसीव फ्रॉम कस्टमर। अच्छा, व्हाट इज द ग्रॉस प्रॉफिट फॉर द ईयर, इसमें क्या करें, ये मार्कअप परसेंटेज दिए और प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। अब इसके लिए क्या करना होगा, मार्क, अब देखिए परसेंटेज हमें दी हुई है ना, तो अब या तो हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट कर लें, उसको मल्टीप्लाई करके परसेंटेज से हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं, या फिर सेल्स हमारे पास हो, अगर सेल्स से भी हम परसेंटेज अप्लाई करके सेल्स पे प्रॉफिट फाइंड कर सकते हैं ना, तो अब इसमें हम बताएं सेल्स कैलकुलेट करें या कॉस्ट, तो इसमें आपको देखिए रिसीवेबल का ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है, तो रिसीवेबल के अकाउंट से हम सेल्स कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इसमें हम सेल्स कैलकुलेट करेंगे उसको, फिर ये परसेंटेज से मल्टीप्लाई करके प्रॉफिट निकाल आएगा, सही है, तब हम बनाएंगे रिसीवेबल का टी अकाउंट बनाते हैं, ये टी अकाउंट का फॉर्मेट कॉपी कर लेते हैं, बनाएंगे अकाउंट रिसीवेबल, अब ये रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस 6340 डेबिट होगा, 6340 क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट पे आ जाएगा, सीडी बैलेंस इसका 5200, तो अब हमने क्या सेल्स रिसीवेबल में सेल्स आती है डेबिट पे ना, सेल्स फाइंड करनी है, जब सेल्स कैलकुलेट करने के लिए एटलीस्ट हमारे पास क्या होना चाहिए, कैश रिसिप्ट, कैश रिसिप्ट हमें तो पहले अब हमें चाहिए कैश रिसिप्ट, जिससे हम उसके बाद फिर सेल्स कैलकुलेट करेंगे, अब रिसिप्ट हमें देखते हैं यहां से दिए कैश एट स्टार्ट है, कैश एट एंड दिया हुआ, टोटल पेमेंट्स हैं रिसिप्ट नहीं, अब क्या करें, तब रिसिप्ट के लिए हमें कैश का टी अकाउंट बनाना होगा, ओपनिंग क्लोजिंग है पेमेंट्स है तो रिसिप्ट आ जाएंगी ना, तभी हम बनाएंगे कैश का टी अकाउंट, कैश का ओपनिंग बैलेंस 620, क्लोजिंग बैलेंस है 500, कैरी डाउन, और पेमेंट कितनी है 16,000 सेवन। अच्छा, से इस चीज का ख्याल रखिएगा, यहाँ से नीचे लिखा ना, ओनली रिसीव ड्यूरिंग द ईयर कंसिस्टेड ऑफ कैश एंड चेक रिसीव फ्रॉम कस्टमर, तो फिलहाल इसको हम एज इट इज कॉपी कर लेंगे 16,780, लेकिन बाद में वो यहाँ लिख सकता है कि जैसे इसमें आप कह सकते हैं कि आपने कोई नॉन करेंट एसेट सेल किया था 10,000 का, वो इसमें इंक्लूड है, अगर इस तरह लिखा होता फिर क्या करते हैं, फिर वो इसमें से माइनस हो जाते, ठीक है, क्योंकि कैश में आपने, सही, तो ये चीज का ख्याल रखना है, ये आपके पास रिसिप्ट आ गई, ये पेमेंट है ना इस तरह का, तो जी तो रिसिप्ट कह रहे ठीक है जी, इसमें अब आ गए आपके पास 16,780, अब हमें क्या चाहिए रिसिप्ट फाइंड करनी है, तो अब इसके लिए क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे 17,020, 17,020 माइनस करें ओपनिंग बैलेंस 16,660, ठीक है, आ गई हमारे पास रिसिप्ट फ्रॉम
कस्टमर, अब इसको हम रिसीवेबल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे 16,660। अब रिसीवेबल अकाउंट क्लोज करेंगे 21860। अब इसका टोटल करते हैं 21860, इसमें से ये ओपनिंग बैलेंस माइनस करेंगे तो आपके पास आएंगी क्रेडिट सेल्स कितनी है 15520। ये आ गई सेल्स। फाइंड क्या करना है, रिक्वायर्ड क्या है, प्रॉफिट बताना है, ग्रॉस प्रॉफिट। तो सेल्स हैं 15,520 और अब परसेंटेज क्या थी 25% मार्कअप है। तो मार्कअप में क्या होता है, कॉस्ट 100% होती है, प्रॉफिट 25% है, सेल्स 125% हो जाएंगे। अब हमें फाइंड क्या करना है, प्रॉफिट इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्रॉफिट ये परसेंटेज यानी 25 से, और गिवन क्या है सेल्स, इसको डिवाइड करेंगे सेल्स की परसेंटेज 125। आपके पास आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट 3104। ये आपका आंसर हो जाएगा 3104 ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। कॉपी कर Thank you.